नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्किल्स लवर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम HTML का एक और नया टैग सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है वीडियो टैग। दोस्तों, वीडियो टैग की फुल फॉर्म होती है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। बाय डायरेक्शनल मतलब दो डायरेक्शन से, मतलब वीडियो टैग हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को दो डायरेक्शन में लिखने के लिए। ठीक, मतलब वीडियो टैग यूज होता है किसी भी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि हम किसी भी टेक्स्ट को या तो लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं वीडियो टैग की हेल्प से। ठीक दोस्तों, तो वीडियो टैग में एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है जिसका नाम है DIR। ठीक, वीडियो टैग में हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं DIR यानी डायरेक्शन। ठीक, अब इस डायरेक्शन एट्रीब्यूट में दो वैल्यूज हम यूज़ कर सकते हैं, या LTR या फिर RTL या RTL। ठीक, LTR यूज होता है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट लिखने के लिए और RTL यूज होता है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा कि वीडियो टैग को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर दें। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा HTML प्रैक्टिस का जो फोल्डर है यहाँ पर हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पर हमने 30 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक दोस्तों, मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करके मैं इसको ओपन विद कोड में ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ ओपन विद कोड करके। तो चलिए मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ lecture31.html। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क। तो टाइटल में हम यहाँ पर लिख देते हैं वीडियो टैग। ठीक है दोस्तों, तो बॉडी के अंदर चलते हैं, यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ हेडिंग टैग, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वीडियो टैग प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक वीडियो टैग। ठीक, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सपोज अभी यहाँ पर लिख देता हूँ स्किल्स लवर। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करके लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं ब्राउजर में क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर जो है स्किल्स लेवल यहाँ पर आ गया है लिख के, और यहाँ पर देखिए नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पर अभी आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं DIR का वैल्यू डाल देता हूँ सबसे पहले LTR। LTR मतलब दोस्तों लेफ्ट टू राइट, और ये देखिए फॉर्म रिफ्रेश हुआ है। मैं दोबारा रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया है। क्यों नहीं चेंज आया है दोस्तों? क्योंकि वीडियो टैग की, यानी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी टैग में या फिर वीडियो टैग में, उसकी बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं RTL यानी राइट टू लेफ्ट। ये देखिए दोस्तों, ये हुआ जादू। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये टेक्स्ट पूरा उल्टा हो गया, ये राइट टू लेफ्ट यहाँ पर लिखा जा रहा है। हमने देखिए एस यहाँ पर SKILLS, एंड यहाँ पर ये इन्होंने लवर ऐसे लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा वीडियो टैग का डायरेक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, हम एक और यहाँ पे वीडियो एट्रीब्यूट यहाँ पर, सॉरी वीडियो टैग लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम वीडियो एल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर LTR सेलेक्ट होके आ जाएगा, और अगर हम R सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर RTL सेलेक्ट होके आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका सिंटैक्स आ गया विद डायरेक्शन वैल्यू। हमें कुछ भी खुद लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस हमने कंटेंट डालना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ लोरम का 20। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर मैं ऑल्ट जेड प्रेस करके इसको कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लोरम का, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ये लोरम, ये देखिए ये टेक्स्ट भी दोस्तों यहाँ पर पूरा उल्टा हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
ये देखिए, और यहाँ पर मैं इसको br टैग यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर ये ब्रेक हो जाए हमारा। ये देखिए दोस्तों, ये लोरम, यहाँ से देखिए लोरम यहाँ से चालू हो रहा है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लोरम, और लास्ट में देखिए ये वर्ड है यहाँ पर, और ये वर्ड इन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है दोस्तों। ये हमारा राइट टू लेफ्ट, ठीक है दोस्तों, ये था हमारा राइट टू लेफ्ट। अब हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा हेडिंग टैग है, ठीक, इसको भी हम वीडियो के अंदर करके देखते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो RTL ले लेता हूँ, एंड ये जो हमारा हेडिंग टैग है इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हेडिंग टैग के अंदर इसमें क्या हुआ, जो हेडिंग टैग है उसको उल्टा किया, ठीक है, उसके अंदर का कंटेंट उल्टा नहीं किया, यानी उसके अंदर का कंटेंट रिवर्स नहीं किया, इसने हेडिंग टैग के पूरे को यहाँ पे रिवर्स कर दिया, मतलब पूरा उठ के ये राइट में चला गया, ठीक है। इसके अंदर का कंटेंट हमारा जो है रिवर्स नहीं हुआ है, यानी कि इसके अंदर का कंटेंट चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसी को इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ से कट करके इसके अंदर लगाते हैं, ओह सॉरी, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए दोस्तों, अगर हमने इसको इसके अंदर हेडिंग टैग के अंदर हमने यूज किया है वीडियो टैग, तो ये पूरे टेक्स्ट को चेंज कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए पूरे टेक्स्ट को चेंज कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी टैग के अंदर लगाते हैं वीडियो टैग को, सॉरी, वीडियो टैग के अंदर कोई टैग लगाते हैं, तो वो टैग को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करता है, लेकिन उसके अंदर के कंटेंट को नहीं। ये बात समझने की है दोस्तों। ये देखिए, टैग पूरा उठ के उसके अंदर टैग जो भी एलिमेंट था, मतलब H1 एलिमेंट पूरा उठ के ये राइट में चला गया है, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर का कंटेंट जो है रिवर्स नहीं हुआ, जैसे ये स्किल्स लवर का हुआ था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे हम करते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से राइट टू लेफ्ट जो है इसका मतलब H1 एलिमेंट चला गया, लेकिन इसके अंदर का पूरा कंटेंट यहाँ पर रिवर्स नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यही मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, अगर मैं इसके बीच में करता हूँ तो वो, इसके अंदर करता हूँ तो वो कंटेंट रिवर्स होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ के आ गया होगा कि वीडियो टैग क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और इसको हम किसी दूसरे टैग के साथ भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ आ गया और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।